सहारनपुर में झूठी निकली लूट की सूचना। पुलिस ने सर्राफा कारोबारी व कर्मचारियों समेत 5 लोगों को किया गिरफ्तार। मेरठ के सर्राफा कारोबारी के 2 कर्मचारियों ने थाना नागल क्षेत्र में हाईवे पर दी थी लूट की सूचना। पुलिस ने चंद घंटे में माल बरामद कर घटना का किया खुलासा। 11 बजे के आसपास पुलिस को रात्रि को सूचना मिली थी कि 2 लोग किया गाड़ी से जा रहे हैं और इनसे 4 लोगों के द्वारा मारपीट करके लूटपाट कर दी गई है। ये दोनों ही लोग अम्बाला से जो डायमंड की सैंपल ज्वेलरी होती है उसको लेकर आ रहे थे और ये इनका जो कार्य है वो मेरठ में एक सर्राफ है, उनके यहाँ से ये सामान लेके जाते हैं और हरिद्वार, अम्बाला, यमुनानगर और सहारनपुर जैसे क्षेत्र में सर्राफ की जो ज्वेलरी है उसको दिखाते हैं और वहाँ से फिर खरीदारी और बेचते हैं। इस पूरे प्रकरण में ये पूरी घटना जब मौके पर जाके पुलिस के द्वारा पूछताछ की गई तो ये पाया गया कि घटना संदिग्ध प्रतीत हो रही है और इसमें जो घटना का जो घटनाक्रम है वो इसमें अलग अलग पूछताछ करने पर दोनों के द्वारा अलग अलग बताया गया। पुलिस के द्वारा सख्ती से पूछताछ करने पर दोनों के द्वारा स्वीकार किया गया ये घटना उनके द्वारा स्वयं जो डायमंड ज्वेलरी है उसको हड़पने के उद्देश्य से की गई है और जो डायमंड ज्वेलरी है ये जो इसमें एक व्यक्ति हैं जो उनके सर्राफी कर्मचारी हैं इसमें सत्यम शर्मा इनके द्वारा अपने साले के साथ और उनके 2 अन्य जो साथी उनके साथ मिलकर उनको बुलाया गया और सारी ज्वेलरी उनको सुपुर्द कर दी गई और वो यहाँ से मेरठ चले गए। उसके बाद इस पूरी घटना को लूट का रूप देने के लिए इनके द्वारा ये पूरी घटना कारित की गई है। इस पूरे प्रकरण में पुलिस द्वारा तत्कालीन पुलिस की टीम को मेरठ भेजकर वहाँ से जितना भी ज्वेलरी थी वो सारी की सारी 100% बरामद कर ली गई है। वादी पक्ष से तहरीर प्राप्त की गई है, तहरीर प्राप्त करके जो नए कानून है उसके अंतर्गत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें क्योंकि ये गबन का मामला इसमें बनता है, इस पूरे प्रकरण में कोई लूट की घटना हुई ही नहीं थी और केवल लूट की घटना को दिखाया गया है उन दोनों के द्वारा, तो ये 5 के 5 लोग पुलिस के द्वारा हिरासत में लेकर इनको गिरफ्तार किया गया, पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया, इन 5 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और सारी की सारी ज्वेलरी रिकवर कर ली गई। पुलिस ने कैसे कंफर्म किया है जो भी सूचना है? ये जो मौके पे जब पहुंचे तो घटनास्थल को देखने से पुलिस को लगा कि घटनास्थल जो है वो मैनिपुलेटेड है, इसमें जो गाड़ी जैसा रोकना बताया गया वहाँ पे टायर के निशान थे, गाड़ी आराम से रुकी हुई थी। इसके अलावा वहाँ पर जो इनके जो चोट के निशान थे इनके द्वारा बताया गया दोनों के दोनों एक साथ बेहोश हो गए, जो चोट लगी थी वो इतनी पर्याप्त नहीं लग रही थी कि दोनों के दोनों उसका बेहोश हो जाए, फिर दोनों के द्वारा अपने हाथ खोलकर स्वयं राहगीर के माध्यम से फोन किया गया, जो घटनाक्रम था वो एक बनावटी लग रहा था। साथ ही साथ इसमें जो चालक थे उसके द्वारा शराब का सेवन भी किया गया था, तो पूरे घटनाक्रम को जब पुलिस के द्वारा और अलग अलग पूछताछ की गई तो दोनों के बयानों में अंतर आया कि उनका लोगों का जो हुलिया वगैरह जो पूछे गए तो सारी सारी चीज़ें जो उनका जो बयान में अंतर आया उसके द्वारा फिर इनको आपस में सामने आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई तो दोनों के द्वारा फिर स्वीकार कर लिया। सर ज्वेलरी की कीमत कितनी बताई? ज्वेलरी की कीमत ये लाखों में, क्योंकि इनके जो ओरिजिनल जो मालिक हैं वो गुजरात गए हुए थे, वो आज वापस आएंगे तो वही बता पाएंगे, लेकिन इसकी जो कीमत है वो लाखों में। ठीक है, इनका आपराधिक इतिहास नहीं है लेकिन इसमें ये अवैध जो नशा वगैरह का काम भी करते हैं। ठीक है, ये इनके द्वारा अभी पूछताछ की जाएगी। ये 32 बोर की पिस्टल इससे बरामद की गई है और कारतूस भी 3 कारतूस बरामद किए गए। इस पूरे प्रकरण के बारे में कहाँ से इसने ये अवैध तमंचा लिया है और कहाँ से कारतूस लिए है उस सब के बारे में पूछताछ करके और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तार करने वाली पुलिस की टीम है, इसको 25,000 रुपये का इनाम मेरे स्तर से इसमें दिया जा रहा है। ठीक है सर। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।